69 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। बाहुबली सीरीज की फिल्म को मिले रिस्पॉन्स के बाद अब एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर बाहुबली की एंट्री होने वाली है, मगर इस बार फिल्म का नाम महाबली होगा जो भोजपुरी में बन रही है। इस फिल्म में जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ महाबली की भूमिका में नजर आएंगे, तो वहीं राजकुमार का किरदार अमरीश सिंह निभाने वाले हैं। जी हाँ, फिल्म महाबली में रानी के किरदार में आम्रपाली दुबे नजर आएंगी। ट्रेंड पंडितों की माने तो ये भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म होगी जिसकी भव्यता बाहुबली जैसी होगी और इसे एक साथ हिंदी, भोजपुरी, तमिल, मलयालम और बंगाली में रिलीज किया जाएगा। बता दें कि फिल्म महाबली टीजर गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2018 को रिलीज कर दिया जाएगा। फिलहाल इस फिल्म के टीजर की शूटिंग मुंबई के मड आइलैंड में चल रही है, जहां सेट पर अमरीश सिंह निरहुआ के साथ घुड़सवारी और तलवारबाजी करते दिखाई दिए। बाद में उन्होंने फिल्म को लेकर कहा कि फिल्म महाबली में मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म है, इसके कॉन्सेप्ट और कहानी ने मुझे काफी प्रभावित किया है। वीर योद्धा महाबली की भव्यता और वेशभूषा को देखकर लोगों को महाबली का एहसास तो होगा, लेकिन ये फिल्म बिल्कुल अलग है। फिल्म में निरहुआ और आम्रपाली दुबे के साथ काम करने का अनुभव भी खास है। मैं खास तौर पर फिल्म के निर्देशक इकबाल बख्श का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने एक यादगार कैरेक्टर के लिए मुझे चुना। लक्ष्मी गणपति के बैनर तले बन रही फिल्म महाबली के बारे में आगे अमरीश ने कहा कि इस फिल्म के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि इस फिल्म की कहानी में तलवारबाजी से लेकर घुड़सवारी तक की डिमांड है, तो अन्य कलाकारों की तरह मुझे भी इसके लिए काफी वर्कआउट करना पड़ रहा है। इस फिल्म को 100 दिन की शूटिंग में पूरा किया जाएगा। फिल्म काफी भव्य है और सैकड़ों घोड़ों और घुड़सवारों का प्रयोग किया जाएगा। मैं तलवारबाजी भी सीख रहा हूँ, मुझे इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। ये फिल्म 5 भाषाओं में रिलीज होने वाली है, तो थोड़ा नर्वस हूँ। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग मुंबई और राजस्थान में भी की जानी है। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया की रिपोर्ट।